We will carry on the theme of church as a witness. हम अपना जो विषय था कि कलीसिया एक गवाह के रूप में उसको आगे देखेंगे. It is the fourth week of on this theme. इस विषय पे ये चौथा हफ्ता है हमारा. While we each one of us may be witnesses for Christ, it is important that all of us together as a body of Christ are a witness for Him. हम सब व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के गवाह हैं. उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरे सत्र में हमने देखा था कि कलीसिया परमेश्वर के प्रेम को दिखाती हुई. लास्ट वीक स्पोक अबाउट हाउ God wants His wisdom to be manifested through the church to the people. फिर हमने देखा था परमेश्वर चाहता है कैसे परमेश्वर की कलीसिया जो है वो परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करे. And today we're going to look at one more aspect of the church as a witness, that is unity in the body of Christ. और जो आज हम देखेंगे वो है कलीसिया में एकता. When the Lord Jesus Christ spoke to the Father in heaven in the 17th chapter of John. यीशु मसीह ने अपने पिता स्वर्ग पिता से यूहन्ना 17वें अध्याय में बात करी. When he spoke to the Lord, he's praying for his disciples. तो प्रार्थना करते हुए अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं. In verse 21 and verse 23. और उसकी 21वीं और 23वीं आयत में. That they may be one, just as the Father and He were one. कि मैं वो हम ए, ये कलीसिया और हम जो है एक हो जाएं जैसे आप पिता और मैं एक हूं. Then he also said that this may happen that the world may know that you sent me. इससे ये इसलिए कि जगत प्रतीति करेगा तूने मुझे भेजा है. For the world to know who Christ is important that the church be united and not have divisions. और ये जानना कि प्रभु कौन है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि कलीसिया एकजुट रहे. The will of God is that they are not divided. परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो है आपस में बटे हुए ना रहें. But unfortunately today the church is divided so badly. और बड़े अफसोस की बात है कलीसिया इस समय बहुत टूटी हुई है. But God does not give up the church. He does not give up. और परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को छोड़ता नहीं है. He said I will build my church. परमेश्वर कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा. It's important that each one of us plays a part in the unity of the body of Christ. कि हम सब अपना अपना परमेश्वर की जो देह में काम है उसकी एकता के लिए हम सब काम करें. Now the church, the Christian church, unfortunately is so divided, is so obvious to people around. और कलीसिया इतनी बटी हुई है कि सब लोग इसको बड़े आराम से देख सकते हैं. When we interact with people of other faith, for example, you travel by train or by bus and you talk to your neighbor. अगर आप ट्रेन में बस में यात्रा कर रहे हो अपने जो बगल में बैठा हुआ यात्री उससे अगर आप बात करें. And then they talk about you, you ask your name, what you do, where you work, family and all that. आप कहां से हैं क्या काम करते हैं आपके परिवार के बारे में और इस तरह से हम बात करते हैं. एंड इफ दे आस्क यू व्हाट इज योर रिलीजन आपसे पूछते हैं कि भाई आपका धर्म क्या है. व्हेन अ पर्सन आस्क्स सच अ क्वेश्चन इफ ही सेज हिंदू देन देयर वोंट बी एनी मोर क्वेश्चंस. अगर वो कहता है कि मैं हिंदू हूं तो आगे कोई प्रश्न नहीं होता. इफ ही सेज आई एम अ मुस्लिम देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस. अगर बोलता है मुसलमान हूं तो भी आगे कोई बातचीत नहीं होती. बट इफ ही सेज आई एम अ क्रिश्चियन पर अगर आप कह दें कि मैं मसीह हूं. They will ask you what denomination. तो पूछेंगे आप कौन से किस समुदाय को में जाते हो. Because even the unbelievers know that Christians have to so divide. There's so many churches, so many congregations, different beliefs. Although the Bible is one. और अन्य जाति लोग भी जानते हैं कि मसीह लोग आपस में बड़े बटे हैं. बहुत सारी अलग अलग इनकी विचारधाराएं हैं और वो अलग अलग सब चीजों सब जानते हैं इस बात को. No doubt there's disunity among other religions also. दूसरे धर्मों में भी ऐसी अलग अलग विचारधारा है. But the division in the Christian church is so obvious even for other people. और मसीह जो मसीह लोग हैं इनमें ये विचारधारा इतनी बटी हुई है कि सब लोग इसको आराम से देख सकते हैं. When people come to know that I am from a different faith, from a different religion, जब ये जानते हैं कि मैं दूसरे विश्वास से हूँ दूसरे धर्म से हूँ. They ask me, are you a Catholic? वे पूछते हैं क्या आप कैथलिक हैं. I said no. अब भाई बोलते हैं नहीं मैं तो कैथलिक नहीं हूँ. आर यू प्रोटेस्टेंट. प्रोटेस्टेंट है. आई से नो. नहीं मैं वो भी नहीं हूँ. बिकॉज आई डोंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनीबडी. क्योंकि मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता हूँ बलवा नहीं करता हूँ. देन आस्क व्हाट आर यू देन. पूछते फिर तुम कौन हो क्या किस में जाते हो. आई टेल देम आई एम अ फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट.
तो भाई उनको साफ बता देते हैं, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूँ। And because I follow Jesus, I am a Christian. क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, इसलिए मैं मसीह हूँ। Because Acts 11:26 says the disciples were first called Christians in Antioch. तो काम 11:26 में लिखा है कि मसीह लोग एंटियोक में पहली बार जो थे वो मसीही कहलाए। One more thing that people ask me is, when did you get converted from Hinduism to Christianity? और फिर लोग पूछते हैं तुम हिंदू धर्म से मसीह धर्म में कब आए? I tell them my conversion is not from one religion to another religion. भाई उन्हें बताते हैं कि ये जो बदलाव है एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण नहीं है। It was from no life to new life. ये तो बिना जीवन से जीवन में नए जीवन में प्रवेश करना है। In a way, I'm thankful to God for my background because when I come to Christ, I came fresh and He began to teach me the scriptures from the Holy Spirit. And today I can say by the grace of God, I have no confusion about the Bible. और बड़े अच्छी बात भाई बताते हैं कि वो एक ऐसे विचारधारा से आए थे और नई चीजें थी सारी, और जब परमेश्वर ने भाई को अपना वचन दिया अपनी ओर से तो नए रीति से सब बातों को समझ सके। When one meets different Christians from different denominations and different doctrines, one can get confused. आप एक मसीह धर्म में होते हैं, बहुत सारी बातें अलग अलग शिक्षाएं मिलती हैं, तो आप बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं किस पे विश्वास करें। And I tell him in a lighter vein, when some other faith comes to Christ, एक मजाक की बात में आपको बताएं कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मसीह धर्म में आता है, give him a Bible, बाइबल पे विश्वास करता है, give him a Bible, अगर आप उसको बाइबल देते हैं, lock him up in the room, उसको एक कमरे में बंद कर दें, for 2 weeks no meeting any Christians, और उसको 2 हफ्ते तक किसी भी विश्वासी से मसीहों से ना मिलने दो, when he comes out of the room, he'll have the right theology. और जब वो दो इतने कुछ हफ्तों के बाद जब वो अपने कमरे से निकलेगा तो उसकी जो विचारधारा होगी, जो शिक्षा होगी, बिल्कुल सही होगी। It depends on the Holy Spirit entirely for the teaching. क्योंकि पवित्र आत्मा जी ने ही उसको पूरी शिक्षा दी है। Of course, this in a lighter vein. No doubt we have to have interaction with Christians, but then it's important to always depend upon the Spirit of God for the teaching. ये तो मजाक की बात थी, पर हम जो विश्वासी लोग हैं हमें परमेश्वर की शिक्षा के लिए पवित्र आत्मा जी के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। So why is there so many divisions in the church? और इसलिए कलीसिया में हम देखते हैं क्या बहुत सारे अलग अलग भाग हो गए हैं कलीसिया। The church first began in Jerusalem. There were not much divisions. पहली बार कलीसिया यरूशलेम में शुरू हुई तो इतने अलग अलग इतने भाग नहीं थे। In the book of Acts, chapter 4:32 is written. प्रत्यक्ष काम 4 अध्याय उसकी 32वीं आयत में लिखा है। They're all of one mind and one heart. और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन के थे। There were 120 people who were all baptized in the Holy Spirit in the second chapter of Acts. और प्रत्यक्ष काम 2 अध्याय में हम देखते हैं जब वो लोगों का बपतिस्मा किया गया। And in one day, 120 became 3,000. और एक ही दिन में 120 से 3,000 लोग बन गए। On the 50th day after Passover, when they were all filled with the Holy Spirit, and Peter spoke up and explained what happened. और जब पेंतेकोस्त के दिन 50 दिन के बाद जब पतरस ने वचन दिया। And they asked him a question, what must he do to be saved? वो लोग पूछने लगे, पतरस से एक प्रश्न पूछने लगे कि हम क्या करें कि हमारा उद्धार हो जाए, हम बच जाएं। Acts 2:37. और प्रेरितों काम 2 अध्याय उसकी 37वीं आयत। And Peter says, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for forgiveness of sins and receive the gift of the Holy Spirit. और पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। All those who believed were baptized and 3,000 added to the number that day. वो जिन्होंने विश्वास किया उनका बपतिस्मा हुआ और 3,000 लोग कलीसिया में उसी दिन जुड़ गए। I can imagine these people were of one mind and one heart. याद रखें कि ये लोग एक मन एक चित के थे। There was unity among them. एकता थी। But as the church grew, there were problems in the church. और जैसे जैसे कलीसिया बढ़ने लगी कलीसिया में समस्याएं भी बढ़ने लगी। And the prime reason why there are divisions in the church is because of the ego of man. और जो पहला कारण है, सबसे मुख्य कारण ये इस अलग-अलग विचारधारा के होने का, वो है मनुष्य का घमंड। Now there was a danger of divisions in the church in Ephesus. और यही कारण था जो खतरा था इफिसियस की कलीसिया में। And the apostle Paul, he took leave of the Ephesian elders. He advised them on how to maintain that unity. और जब पौलुस उस कलीसिया से जा रहा था, उसने वहां के अगुओं को बताया कि कैसे तुम एकता बनाए रख सकते हो। In the 20th chapter of Acts, as he goes to Jerusalem, he stops by at a place called Miletus and addresses the Ephesian elders.
और वो जब वहां से जा रहा था प्रेरित काम 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो मिलेतुस नाम के जगह से वहां पे लोगों से बातचीत करते हैं. And he is talking to the elders of the church in Ephesus. Ephesus के जो अगवे थे उनसे पौलुस बात कर रहे थे. And he talks about how after he leaves, savage wolves will come in among them and will not among them and not spare the flock. आता है कि कैसे उसके जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़ी आ जाएंगे और जो भेड़े हैं उनके ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगे. And from among you people be raised up who will draw people after themselves. और तुम्हारे बीच में से ही ऐसे लोग खड़े होंगे जो लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे. He warned the church about divisions in the church and people drawing people after themselves. और पौलुस ने उनको चेतावनी दी कैसे उसके जाने के बाद ऐसा होगा और लोग जो है लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे परमेश्वर से अलग कर देंगे. When he wrote the letter to the Ephesians, again he addressed the issue of keeping unity in the church. और Ephesians की जो कलीसिया थी उसको संबोधित करते वो एक और बात उनकी एकता के लिए उनको बताते हैं. And there you find a beautiful recipe or formula how to keep unity in the church. और वहां एक बड़ा अच्छा सा एक फॉर्मूला बताया कि कैसे कलीसिया में एकता बनाए रह सकती है. Now in the letter of Paul to Ephesians chapter 4, और पौलुस जो एफिसियों की पत्री लिखता है चौथे अध्याय में हम देखते हैं. In verse 1 he writes, पहली आयत में वो ऐसा लिखते हैं, As a prisoner of the Lord, I urge you to live lives worthy of the calling you have received. मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो. The first 12 verses of that chapter talks about unity in the body of Christ, but it begins by saying, first of all, walk worthy of the calling you have received. पहली 12 आयतों में वो एकता की बात करते हैं पर पहली बात आयत में ही बोलते हैं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो. Every one of us is called to have fellowship with the Lord, walk in his ways, walk in holiness and walk in step with the Spirit. और हम सब जो प्रभु के पीछे बुलाए गए हमें बुलाया गया कि उसके पीछे चले उसके मार्गों में चलें और पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलें. Before we look over the shoulder of other people, we must walk with the Lord. हमें दूसरे लोगों को अपने कंधे से इधर उधर नहीं देखना, हमें खुद प्रभु के पीछे चलना है. And before Paul addressed the issue of keeping unity of the body of Christ, he is first talking about you walk with the Lord, worthy of the calling you have received. और पौलुस उनको बताते हैं, बोलते हैं कि एकता के लिए सबसे पहले तुम जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसकी योग्य चाल चलो. We all have a specific calling and a general calling. और सबकी हम सबकी एक व्यक्तिगत बुलाहट होती है और एक जो सामूहिक बुलाहट होती है. Before we can find out the specific calling for each one of us, we should be busy fulfilling the general calling for each Christian. और अगर हमें सामूहिक जो किस बुलाहट को हमें समझना है तो उसके लिए पहला जरूरी है कि हम व्यक्तिगत बुलाहट हमारी क्या है उसको हर एक विश्वासी समझे. The general calling for all of us is to live a holy life. हम सब के लिए जो एक सामूहिक बुलाहट है वो ये है कि हम एक पवित्र जीवन जिए. 2 Timothy 1:9. पहला तिमोथी पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत. 2 Timothy 1:9. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत. He saved us and called us to a holy life. हमें हमारा उद्धार किया और पवित्र उद्धार से बुलाया. We have a general calling to have fellowship with the Lord. एक बुलाहट है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में चले. 1 Corinthians 1:9. फिलिपियो पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत. God who called us into fellowship with his son Jesus Christ the Lord is faithful. Philippians, brother, Philippians, you said? No. 1 Corinthians 1:9. अच्छा, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत. God who called us into fellowship with his son Jesus Christ the Lord is faithful. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है. We are all called to live by the word. परमेश्वर ने बुलाया कि हम उसके वचन के अनुसार जिए. Matthew 4:4. चौथा अध्याय उसकी 4वीं आयत. We're all called to live by the Spirit. हम सबको बुलाया गया कि हम आत्मा के अनुसार चलें. Galatians 5:16. और पांचवा अध्याय उसकी 16वीं आयत में. Galatians 5:16. गलतियों 5वां अध्याय 16वीं आयत. Your first sound is cutting, brother. Don't know why. Pardon? Sorry. I cannot hear your first thing. I don't know. It's with me only or everybody is having problem. Oh, what is the problem? Not able to hear, is it? Rest I can hear. The starting thing is getting missed. Okay. The next aspect of a calling is we're all called to live by faith. और जो दूसरी बुलाहट है कि हम सबको विश्वास से जीने के लिए बुलाया गया है. Romans 1:17 says, the righteous shall live by faith.
रोमियो 1:17 में लिखा है धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहता है. Let me summarize. You're called to be holy. तो हम इसको दोबारा से देखेंगे. हमें बुलाहट, हमें बुलाया गया कि हम पवित्र जीवन जिए. We're called to have fellowship with the Lord. और हम परमेश्वर की संगति में जिए. We're all called to live by the word. हमें बुलाया गया कि हम वचन के अनुसार जिए. To live by the spirit. के अनुसार जिए. To live by faith. विश्वास के अनुसार जिए. General calling. के लिए एक ही बुलाहट है. And we're called to live a life worthy of the calling we have received. हमें बुलाया गया कि जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया है उस बुलाहट के योग्य चाल चले. Then as we live by the general calling, we can discern God's specific will and calling for us. जब ये एक सबके लिए जो बात है इसके अनुसार हम जब चलते हैं तो परमेश्वर ने मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या बुलाहट है उसको हम समझ पाएंगे. Now when we walk with the Lord, we'll have the peace of God. परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे तो परमेश्वर की शांति हमारे पास होगी. We preserve the peace of God when we walk in step with the Spirit of God. और परमेश्वर की शांति उसकी आत्मा हमारे बनी रहती है जब हम उसकी आत्मा के अनुसार चलते रहते हैं. When it comes to other Christians, we will not judge them, we will not look down upon them, we'll build them up. और जब दूसरे मसीह लोग हम मिलेंगे तो हम उनका न्याय नहीं करेंगे, उनके ऊपर तानाशाही नहीं करेंगे, पर उनको हम प्रेम करेंगे. And walking with the Lord will keep us humble. परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो वो हम उससे हम नम्र बने रहते हैं. And the next verse, Ephesians chapter 4 verse 2, Paul writes. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय चौथा अध्याय उसकी दूसरी आयत में पौलुस लिखते हैं. Be completely humble and gentle. अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित. Be patient, bearing one in love. धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो. When we walk with the Lord closely and we are right with God, we will be able to build up other people in their walk with the Lord. और जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी अपने तो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उनको भी हम उनकी भी सहायता करेंगे. A close walk with the Lord will enable us to humble ourselves before God and before people. और जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हम नम्र बने रहेंगे और हम दूसरे लोगों के सामने भी नम्र बने रहेंगे. And he goes on to say in verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. और वो आगे कहते हैं दूसरी आयत में धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो. Now what happens generally is when a man is not right with God, the tendency to look down upon other people. तो समस्या ये है कि जब हम परमेश्वर के साथ सही रास्ते में नहीं चल रहे होते तो हम जो है दूसरे लोगों को नीचा देखने लगते हैं. Because they find the same sin they are doing in other people. और जो काम हम गलत कर रहे होते हैं वही हम दूसरों में देखने लगते हैं. Usually what happens is when somebody is guilty of one particular persistent sin, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई लगातार एक गलती करता चला जा रहा है, he hates that sin on other people. तो वो है दूसरों में भी वही पाप देखने लगता है. They can't see themselves, they look at other people. और वो अपने को नहीं देखता, दूसरों को देखने लगता है. It's very common that when someone keeps on talking about other people having one particular sin, everyone is pointing on that particular sin other people. और ये बहुत होता है कि जब एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर एक ही तरीके की गलती को देखता है और बोलता रहता है. And they find their fault in so many people. और वो सब लोगों में वही नुक्स देखता है. Very likely he's got that problem. उसका बहुत मुमकिन है कि वो गलती वो समस्या उसकी खुद है. He's guilty of that, but he finds that other people and highlights it in other people. वो खुद तो उसका दोषी है पर दूसरे लोगों में वो दोष ढूंढता है और उसके बारे में सबको बोलता भी है. Then comes gossip, slander, backbiting, malicious talk, all comes because of that. और उसी के कारण से उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना और बुरी बुरी बातें बोलना उसके बारे में, ये सब उसके द्वारा फिर आने लगती है. But when you're walking with the Lord, you will be compassion towards people who are not walking with the Lord. अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे उनके ऊपर आपको दया आएगी. Otherwise, we will be like Cain. तो आप जो है केन की तरह बन जाएंगे. Cain was not right with God in terms of the sacrifice he made. और वो परमेश्वर के साथ जैसे केन था वो अपने आप सही नहीं था और जो उसने बलिदान किया वो भी उसका सही नहीं था. Abel sacrifice was pleasing God, Cain's was not. Abel का जो बलिदान था वो तो उससे तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ पर कैन के बलिदान से नहीं हुआ. And when God saw with favor on Abel's sacrifice, did not see with favor on Cain's sacrifice, Cain got angry with Abel. जब हाबेल की बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया पर कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया तो कैन हाबेल पे गुस्सा हो गया. And the Lord asked Cain a question. और परमेश्वर ने कैन से एक प्रश्न पूछा. The story is found in the book of Genesis, chapter 4, verses 3 to 7.
और वो हम देखते हैं उत्पत्ति चौथा अध्याय 3-7 आयत में। लॉर्ड आस्क केन अ क्वेश्चन, परमेश्वर ने केन से प्रश्न पूछा, व्हाई आर यू एंग्री, व्हाई इज योर फेस डाउनकास्ट, कि तू क्यों गुस्सा है और क्यों तेरे मुंह पे उदासी छाई हुई है। वी डू व्हाट इज राइट, वोंट यू बी एक्सेप्टेड, कि उन्होंने उससे कहा कि अगर तू सही भला करे तो तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण की जाएगी। सो केन स्टिल हैड द ऑप्शन ऑफ टेकिंग बैक द अदर ऑफरिंग एंड गिविंग अ बेटर ऑफरिंग। केन के पास एक मौका भी था कि अपने पहले वाले बलिदान को हटा के एक अच्छा बलिदान दोबारा से दे दे। इंस्टेड ऑफ दैट ही गॉट रॉन्ग विद हिज ब्रदर एबल एंड किल्ड हिम, और उसने और गलत किया, अपने भाई को मार दिया। And today there are many people, Christians, who also behave like Cain. और बहुत से मसीह लोग इस तरह से कैन की तरह बर्ताव करते हैं। They are not right with God and they get wrong with people who are right with God. और वो जो है, repeat करना brother. They are not right with God. और परमेश्वर के साथ सही होने के लिए? No. They are not right with God. They are away from God. अच्छा, वो परमेश्वर के साथ सही नहीं होते खुद. And they get wrong with people who are right with God. जो लोग परमेश्वर के साथ सही हैं, उनके साथ वो गलत हो जाते हैं। As Cain got angry and killed Abel. और कैन ने क्रोध में आके अपने भाई हाबिल को मार दिया। Interestingly, in the New Testament, in the letter of John, in chapter 3, verse 12, और इसी तरह से नए नियम में हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय की 12वीं आयत में, He writes to Christians, मसीहों के लिए है, Don't be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. Why did he murder him? Because own actions were evil, brothers were righteous. वो कहता है कि तुम केन की तरह बनो जिसने अपने भाई को क्रोध में आके मार दिया था। Don't be like Cain. तुम केन की तरह ना बनो। Which means even Christians can behave like Cain. इसका मतलब यह है कि मसीह लोग भी जो है केन की तरह बर्ताव कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, माफ कीजिएगा, या 1 John 3:12, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। And therefore when we are right with God on the other hand, we will not get angry with somebody else, we'll build up the other people. और अगर हम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं तो हम दूसरे लोगों पे गुस्सा नहीं होंगे, बनिस्बत इसके हम लोगों को और मजबूत करेंगे, उनको भी सहायता करेंगे। That's why in the first verse of Ephesians chapter 4, Paul first talks about walking worthy of the calling you have received. और Ephesians 4 अध्याय की पहली आयत में वो कहता है कि जो बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। The second verse he talks about being humble and patiently bearing each other in love. दूसरी आयत में कहता है सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। वस्त्री अंगवज राइट्स, और उसके आगे वो कहते हैं, मेक एवरी एफर्ट टू कीप यूनिटी ऑफ स्पिरिट टू द बॉन्ड ऑफ पीस, और सब प्रकार का यत्न करके एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ उसकी सहलो। रिस्पॉन्सिबल टू एवरी क्रिश्चियन वॉकिंग विद द लॉर्ड टू मेक एवरी एफर्ट टू कीप यूनिटी ऑफ स्पिरिट टू द बॉन्ड ऑफ पीस, और ये बहुत जरूरी है, फर्ज है मसीहों का कि परमेश्वर की एकता में एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ शांति के साथ एक दूसरे को बांधे रहो। Then Paul goes on to write, there's one body and one spirit. एक ही देह और एक ही आत्मा है। One faith to which been called. और तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने के एक ही आशा है। One faith, one Lord, one baptism, one God and Father who's over all, through all, and in all. एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर है, सबके मध्य और सब में है। One hope to be been called when you're called. और हमें जिस बुलाहट से बुलाया गया है उस बुलाहट को हमें समझना है। Let me repeat. One Lord, one faith, one baptism. एक प्रभु, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा। One hope to be been called when you're called. और जब हमें बुलाया गया सबको एक ही परमेश्वर पिता और ऊपर से एक ही ने बुलाया है। One God and Father who is over all, through all and in all. वो सबका एक ही पिता परमेश्वर और पिता है, सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। Everything is one, 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 one. और सब एक 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 हम देखते हैं। This one baptism basically means, baptism means putting into. और एक ही बपतिस्मा मतलब, बपतिस्मे का मतलब किसी चीज में डालना। We were all outside the family of God. हम तो परमेश्वर के इस परिवार से बाहर थे। We are following the world. संसार के पीछे चल रहे थे। We are put into one body. और हमें एक देह में डाला गया है। That's a baptism referred to here. ये जो बपतिस्मा है इसका मतलब यहाँ ये है। We were different people, but now we are one people. अलग-अलग लोग थे पर हम एक लोग बन गए हैं। One Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह जो थे। No, one Lord Jesus Christ. और एक ही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है।
one faith in Christ, और एक ही प्रभु यीशु मसीह पे, एक ही विश्वास जो कि प्रभु यीशु मसीह पे है, one baptism or one putting into the body of Christ, और एक ही बपतिस्मा जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की देह में हम डाले जाते हैं, one hope which will call when you're called, और एक ही आशा है जिस जब हम बुलाए गए थे वो एक ही आशा है. So everything is one, then why are we divided? तो जब सब चीज एक है तो हम फिर अलग अलग क्यों हैं? We are divided because we go our own way, we don't go God's way. और ये इसलिए है क्योंकि हम अपने अपने मार्गों में जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते. How can the body of Christ be a one heart and one mind as it was in the first century? और जब हम प्रभु की देह में होते, एक मन और एक देह के होने चाहिए जैसा कि पहली शताब्दी के लोगों में था. If every one of us seeks the heart of God and the mind of God, we'll all have one heart and one mind. एक परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की इच्छा को जान के चलेंगे तो हम सब के अंदर एक ही मन होगा. Now we realize how far the church is gone away from the requirements of God, from the instructions of God. और कितने दूर चली गई है कलीसिया परमेश्वर की हिदायतों से, परमेश्वर की जो इच्छा है उससे कितना दूर चले गई है. So as God is one, he gives according to his grace. परमेश्वर एक है तो वो परमेश्वर अपने अनुग्रह से सबको दान देता है. So seventh verse talks about how that he distributes gifts according to his will and his grace. और वचन में लिखा है कि कैसे परमेश्वर जो है अपने मन से, अपनी मन, अपने अनुग्रह के अनुसार लोगों को दान देता है. Each one has been given grace as Christ has apportioned it. और लिखा है पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के से अनुग्रह मिला है. So we shouldn't compare each other's gifts and his calling. और हम में परमेश्वर की बुलाहट में एक दूसरे के दान को नहीं देखते रहना. The sovereign God will give according to the calling and God will give us the gifts. परमेश्वर अपनी बुलाहट के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार हमारे को हम अपनी ओर से दान देता है. So one more thing that comes in the way of unity apart from ego is the fact that we compare. और एक और बात जो हमारे घमंड के अलावा जो इस एकता को तोड़ता है वो है divisions come because we compare God's people and compare churches. जो है ये अलगाव इसलिए आता है क्योंकि हम तुलना करने लगते हैं कलीसियाओं को, लोगों को. The Corinthian church was notorious for that. और करंथ की कलीसिया जो थी वो इसके लिए बड़ी मशहूर थी इस बात के लिए. In fact, the Apostle Paul wrote to the church in 1 Corinthians 3rd chapter. और पहली करंथियों तीसरे अध्याय में जब पौलुस करंथ की कलीसिया को लिखते हैं, I can't call you spiritual, I call you worldly. Mere infants in Christ. कहता है कि मैं तुम्हारे को मसीह में बड़ा हुआ परिपक्व नहीं मानता, तुम्हारे को अभी तक बालक ही मानता हूँ. I gave you milk, not solid food. तुम तो अभी तक दूध ही पीते हो, तुम्हारे को अन्न नहीं खा सकते तुम लोग. For you were not ready for it. के लिए अभी तैयार ही नहीं हूँ. In fact, you're still not ready. वो कहता है वरन अब तक भी तैयार नहीं हूँ. You're still worldly. तुम संसारिक ही हो. Along with jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not mere men? तुम जब इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, जो मनुष्य की रीति से नहीं चलते? This church was known for having the gifts of the Holy Spirit. आपकी पहचान थी कि यहाँ पे कलीसिया में जो लोग थे उनको पवित्र आत्मा जी से दान मिले हुए थे. They were enriched in all the speaking and all their knowledge. और वो बड़ी बुद्धिमानी से परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बातें करते थे. But yet Paul said, I can't call you spiritual. फिर भी पौलुस उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें आत्मिक नहीं कह सकता. Imagine they had all the gifts of the Holy Spirit. जबकि उनके पास सारे आत्मा के दान थे. But yet Paul says, I can't call you spiritual. फिर भी पौलुस उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें आत्मिक नहीं कह सकता. So jealousy and quarreling and envy negates all the gifts that you have. वो कहता है कि क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि तुम में ढा और झगड़ा और तुम अभी तक शारीरिक ही हो. And the problem was they were comparing men of God. और वो उनकी एक समस्या और थी कि वो परमेश्वर के जो दास थे उनमें तुलना कर रहे थे. Some said I follow Paul, others said I follow Apollos, some said I follow Cephas, Cephas means Peter, some even said I follow Jesus. वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहते हैं कि हम पौलुस के हैं, कुछ कहते हैं हम अपोलोस के हैं, कुछ कहते हैं हम पतरस के हैं, और कहते हैं कुछ तो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के हैं. And by comparing this men of God and taking sides and following factions, Paul is saying, I can't call it spiritual. Comparing each other and the men of God, and therefore Paul says, I can't call it spiritual. यहाँ पर वो एक दूसरे को कंपेयर, एक दूसरे के साथ अपना तुलना कर रहे हैं, इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं आपको आत्मिक नहीं कह सकता. And the apostle Paul explains as to both how he and Apollos are basically servants of God. और फिर पौलुस ये बताते हैं कि वो और अपोलोस, पौलुस और अपोलोस दोनों परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं. Which the church had to understand. और ये कलीसिया को समझना है.
In 1 Corinthians 3rd chapter 6 and 7 he writes, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय और उसकी छठी और सातवीं आयत में ऐसा लिखा है, I planted the seed, Apollos watered it. मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा. But God gave the growth. परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया. Neither he plants anything nor he waters, only God gives growth. इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है. Meaning, don't look at the people who have received the gifts, look at the giver who gives the gifts. इसका मतलब ये है कि जो दान मिला है उसको नहीं देखना, जो दान देता है उसको देखना. And then it goes on to write in the fourth chapter, verse 1 and 2. और फिर वो चौथे अध्याय में एक और दो आयत में ऐसा कहते हैं, Men ought to regard as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें. फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले. ब्रदर अश्वनी हैज कम बैक. ओके अश्वनी भाई. हाँ हाँ ठीक है. ओके नाउ वी आर एट 1 कुरिन्थियंस 4 चैप्टर 1 एंड 2. पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसकी पहली दो आयतों को हम देखते हैं. कैन यू रीड इन हिंदी ब्रदर? आई ऑलरेडी कोटेड इंग्लिश. कैन यू रीड इन हिंदी? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे. फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वे विश्वास योग्य निकले. Verse 2 also. Yeah, 2 also I read. Okay. So he says that both Apollos and me have been our servants of God. You must consider as servants. We've been given certain secrets which we have been faithful to. वो कहता है अपोलोस और मुझे जो है हमने कुछ कुछ दान दिए गए हैं और जो उस बुलाहट से हम बुलाया गया, जो भंडारी पर हमें सौंपा गया, उसके हम विश्वास योग्य निकले हैं. A big lesson for us even today is not to compare servants of God, not to compare churches, but each one should be faithful to whatever gift and calling he or she has got. तो हमारे को बहुत जरूरी है कलीसिया में भी हम एक दूसरे को ना देखें, परमेश्वर के सेवकों को ना देखें, पर हम उस बात को देखें जो परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत तौर पर हर एक को अपना अपना एक जो दान दिया है. Instead of being jealous and envious about somebody else's gifts, we should rejoice in the Lord for their gifts. और हमें दूसरों को दान जो मिला उसे जलन ना करें, पर हमें जो उनको दान मिला उसको देख के हम आनंदित हों. In 1 Corinthians 12:26, we read. पहला कुरिन्थियों 12:26 में आयत में हम पढ़ते हैं. How in the first century how the church responded to things happening among other people in the church. कि कलीसिया में जो दूसरे लोगों के साथ बात हो रही थी, उसको लोग किस तरह से उसको देखते थे. If one part suffers, other part suffer. कि अगर एक अंग दुख पाता है तो सब अंग दुख पाते हैं. Talking about the body of Christ. ये प्रभु की देह के बारे में बात करते हुए. If one part is honored, other parts rejoice. और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद करते हैं. But in many churches that's not happening. पर बहुत सी कलीसियाओं में ऐसा नहीं हो रहा. If one part is honored, other parts go to depression. They question God, argue with God. अगर एक भाग दुख पाता है तो पूरी कलीसिया जो बाकी जो भाग है वो दुख वो उसमें चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं. So one part is honored, other part should rejoice. Instead of rejoicing, we feel bad and we question God. अच्छा, जब एक अंग को आदर मिलता है, एक चीज एक भाई को आदर मिलता है तो सारी कलीसिया निराशा में चले जाती है, जबकि होना यह चाहिए कि अगर एक को आदर मिल रहा है तो सारी कलीसिया उसके साथ आनंद करे. How often you find people of God comparing others and getting upset when somebody is honored by God? और कितनी बार हम देखते हैं कि जब किसी भाई को किसी व्यक्ति को आदर मिलता है कलीसिया में तो दूसरे लोग जो है उससे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. When God honors that person, people honoring is different. When God honors somebody and lifts up his ministry, many others instead of feeling happy about it, they get upset with it. कि मनुष्य आदर दे वो अलग बात है, अगर परमेश्वर आदर दे रहा है और उनकी सेवकाई को आशीष दे रहा है तो लोगों को उससे निराश नहीं होना चाहिए, लोग उससे निराश हो जाते हैं. That causes divisions in the body of Christ. और इस कारण से कलीसिया के जो परमेश्वर की देह है उसमें जो है बंटवारे आ जाते हैं. And we become a bad witness to the people outside, to the outsiders. और जो बाहर के लोग हैं उनके सामने हम बुरे गवाह बनते हैं. And there are divisions in the church based on doctrines. और एक और बात है जिसके कारण से कलीसिया में मतभेद आ जाते हैं, वो है सिद्धांतों की बातें. If all of us depend upon the Holy Spirit's teaching, then we'll all be one. अगर हम सब पवित्र आत्मा जी की शिक्षा के अनुसार चलेंगे तो हम सब एक होंगे. But so often we go by private interpretation of the Bible. और हम सब बहुत दफे जो है अपने व्यक्तिगत तौर पे बाइबल का जो मतलब निकालते हैं और उससे चलते हैं. And we argue about doctrines, about way of worship in the churches, and the churches are divided on how to worship and how to relate to God.
और लोग जो है इसी बातों पे अलग अलग सिद्धांतों पे अपने और से जो समझते हैं उसके बारे में बहस करने लगते हैं, और ये जैसे आराधना करने के ऊपर भी किस तरह से आराधना करनी है इसी बात में मतभेद हो जाता है। Even you got to pray, there are divisions in the church. Some people say pray quietly, some pray loudly. और प्रार्थना में भी लोगों में कलीसिया के अंदर बंटवारे हैं, कोई कहता है शांति से प्रार्थना करनी चाहिए, कोई कहता है जोर से प्रार्थना करनी चाहिए। Jesus prayed with a loud voice in Hebrews 5:7. इब्रानियों 5:7 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से प्रार्थना करी। हन्ना prayed really softly, nobody knew she was praying. पर जब हन्ना ने प्रार्थना करी तो उसने बड़ी धीमी आवाज में करी, कोई सुन ही नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रही है। Louder doesn't matter, what matters is your heart. Are you praying according to the will of God? कितनी जोर से हम प्रार्थना करने उसका कोई महत्व नहीं है, बात यह कि हमारे मन में हम किस मनसा से किस हृदय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। Regarding the interpretation of the Bible of the so many divisions. और इस तरह से हम देखते हैं कि कलीसिया में बाइबल के अनुवाद उसको समझने में के कारण से ही अलग अलग मतभेद हो जाते हैं। In 1 Corinthians 11:19, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, No doubt that if difference among you to show who has God's approval. क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकलते हैं वे प्रकट हो जाएं। It's not the will of God that we are divided, but the fact is we are divided over doctrines. और ये बात जो है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हमारे में ऐसे बंटवारे हों, पर ये बात हो जाती है कि सिद्धांतों के तौर पे हम अलग अलग मतभेद रखते हैं। So how does a mature Christian respond to these issues? पर ऐसी बातों पे जो एक परिपक्व विश्वासी है वो कैसे बर्ताव करता है? How does a mature Christian address the issue of defense of doctrines? और अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर एक परिपक्व विश्वासी कैसे वो अपनी बात रखता है? Third chapter of Philippians verse 14-15 we read. फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Apostle Paul writes, all of us who are mature should take such a view of things. If on some point you think differently, even that God will make clear. So हम में से जितने सिद्ध हैं, यही विचार रखें कि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करे। We should not argue about doctrines and interpretation of the Bible. हमें सिद्धांतों के ऊपर बाइबल को हम किस तरह से समझते हैं इस बातों पे आपस में बहस नहीं करनी चाहिए। Many times when we share with people what we believe, even among believers when we share, they oppose us. और कई बार विश्वासियों के साथ भी जब वचन बांटते हैं तो वो हमारा जो है विरोध करने लगते हैं। They have their own doctrine, they argue with us. और उनके अपने उनकी मन उनके एक अलग समझ है और वो हमसे बहस करने लगते हैं। And they will oppose us. और फिर विरोध करने लगते हैं। We should not quarrel. हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। 2 Timothy 2:24 says, and the Lord's servant must not quarrel. और दूसरा तिमोथी 2:24 में लिखा है कि जो परमेश्वर का दास है उसको झगड़ालू नहीं होना चाहिए। When anyone opposes us, we must gently instruct. जब हम कोई हमारा विरोध करता है हम बड़े प्यार से नम्रता से उसको सही बात समझा दें। It takes two people to quarrel. One person alone cannot quarrel. और दो लोगों की जरूरत पड़ती है झगड़ा करने के लिए, अकेला व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता। You cannot quarrel with the wall. आप दीवार के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। Only quarrel with people. आप लोगों के साथ ही झगड़ा करेंगे। When they oppose you, don't react. जब वो आपका विरोध करते हैं आप उसकी प्रतिक्रिया मत करो। Put your point across and leave it to God to convict, because the promise of God is God will make clear who's right, who's wrong. तो आप उसे बहस ना करें और परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर खुद न्याय करेगा कौन सही कौन गलत है। By the grace of God, I ministered to so many different denominations and churches. और परमेश्वर के अनुग्रह से ये बात भाई बता रहे हैं कि वो बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग कलीसियों में उन्होंने वचन दिया है। In fact, a couple of years back, I just looked at my schedule at the previous years and I realized I've spoken in and through 110 churches. और पिछले साल का ही भाई देख रहे थे तो देख रहे थे करीब 110 अलग अलग कलीसियों में वचन दिया है। Not only the churches, the congregations, but even denominations. और ये अलग अलग कलीसियाओं में नहीं अलग अलग संस्थाओं में भी वचन दिया है। But so I focus only on what Spirit tells me about God's word and put it across to people. That's all. पर भाई वही बोलते हैं जो पवित्र आत्मा जी भाई के मन में डालते हैं, वही बात आगे बात उनको बता देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं बोलते। As a human being, I can make mistakes. If I depend upon myself, I try never to depend upon myself. और एक मनुष्य होने के कारण बहुत मुमकिन होता है, बहुत दफा होता है कि हम अपने ऊपर अपनी समझ के ऊपर निर्भर होने लगे, पर भाई ऐसा कभी नहीं करते, पवित्र आत्मा जी के ऊपर ही पूरा निर्भर रहते हैं। I try my best to depend upon the Lord and I have no problem with doctrines because Holy Spirit teaches.
और भाई पूरा ध्यान रखते हैं कि जो वचन दिया दे रहे हैं वो आत्मा जो बता रहा है उसी के अनुसार दें, और ऐसी कोई बात नहीं करते जिसकी वजह से कोई मतभेद आ जाए। Many don't agree with me, but that's okay because if I'm wrong, God will teach me. They are wrong, God will teach them. No point arguing. और हो सकता है कि हमारे साथ उनका मतभेद हो, हमारी बात से इत्तफाक नहीं रखते हो, पर जो है हम परमेश्वर की ओर से जो बात है परमेश्वर अपने आप उनको सिखाएगा। And I'm so thankful to God. Almost every denomination I go and minister, I have people who are so loving and generous and compassionate and very good friends. I've got in all denominations. और भाई परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि बहुत सी संस्थाओं में कलीसियाओं में अलग अलग जगह जाते हैं और बड़े भाई का आदर करते हैं, प्यार करते हैं, और परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। क्योंकि जब परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करो। If all of us love God, keep our hearts and minds on the Lord, we'll all love each other and there'll be no divisions. तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और तो हम परमेश्वर के जो बाकी लोग हैं उनसे भी प्रेम करेंगे और हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं होगा। So Ephesians chapter 4 was 1-7 is a simple recipe, a formula for being instrumentally preserving the unity in the body of Christ. Ephesians 4 है उसकी पहली चार आयतें जो हैं ये बिल्कुल सीधा साधा एक फॉर्मूला है जिसके कारण से कलीसिया जो है एक साथ एकजुट होकर रह सकती है। In that process the church becomes a witness to Christ and we all one together, the world will know that God sent Christ to the world to save the world. और जब ऐसा हम चलते हैं इस चाल से चलते हैं तो कलीसिया में एकमनता होती है, एकजुट रहते हैं और पूरे विश्व के लोग जो है वो जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। God bless us all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। Question is very brief that in case in any church this thing comes into observation and what should we do? What comes into observation? Sorry, I didn't get you. This is of James 2 points. You have to address the leadership in the church. Because they should ensure that they conduct the church properly. We people are no authority to address the leaders. Of course you can. Okay. Brother, can you interpret from brother in Hindi? भाई का प्रश्न है कि कलीसिया में अगुओं की वजह से कोई अगर बात हो तो क्या हम उसमें बोल सकते हैं? तो भाई कह रहे हैं कि उनके पास भाई जो जिनका प्रश्न है वो बोल रहे हैं कि हमारे कोई अधिकार नहीं है कि हम अगुओं को कुछ बोले, पर हम भाई बता रहे हैं कि हमारे पास पूरा अधिकार है। Of course, in love we go and correct people, even if it's a leader, we have to go and correct. हमारे हम प्रेम में हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने अगुओं को भी प्रेम से उनको जो सही बात हमारी है वो बता सके। Nathan corrected David, who was a king. नाथान नबी ने दाऊद को जो राजा था उसको सही बात बता दी। As long as you are correcting people for their good and speak in love, nothing wrong correcting anybody. जब तक आप लोगों के भलाई के लिए और प्रेम से उनको सही बात बता रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है। In fact, correcting people to build them up is love, not correcting is lack of love. और बल्कि बनिस्बत बात तो यह है कि अगर आप लोगों को उनकी गलती बता के उनको सही रास्ते पे ला रहे हो तो ये प्रेम है। अगर आप उनको नहीं बता रहे उनकी गलती तो आप उनसे प्रेम ये प्रेम नहीं दिखा रहे फिर आप ऐसा करके। नॉट करेक्टिंग इज बेसिक लव फॉर द सेल्फ बिकॉज़ यू फील इफ आई गो एंड करेक्ट ही वोंट लाइक मी सो यू लव योरसेल्फ सो यू डोंट वांट टू करेक्ट हिम। और आप सोचते हैं कि मैं उसको उसकी गलती बताऊंगा तो वो मुझसे प्रेम नहीं करेगा और आप अपने प्रेम के कारण से ही बस कि वो मुझसे प्रेम करना ना छोड़ दे उसको सही बात नहीं बताते। So we have to speak in love, speak the truth with the primary purpose of building up the other person. तो प्रेम से और सही बात बताना बहुत जरूरी है ताकि दूसरा व्यक्ति भी जो है वो अपने विश्वास में और प्रेम में बढ़ता जाए। So talking about book of James chapter 2, तो हम याकूब उसका दूसरी अध्याय की जो बात बोल रहे हैं। If you find leadership is giving importance to somebody who is very rich and looking down upon someone very poor, one to one go and tell the leader of the church, please don't do this. If you do that, we are breaking all the commandments of the Bible. अगर आप देखते हैं आपके अगवे जो है जो धनी है उनको आदर दे रहे हैं, जो निर्धन है उनको आदर नहीं दे रहे, तो आप जाके उनको बता सकते हैं प्रेम से कि ये वचन के अनुसार गलत है। James chapter 2 verse 1 to 9 talks about discrimination, rich and poor, and 10th verse says if you keep all the laws, one point if you stumble you've broken all the laws. और पहली नौ आयतों में वो यही जो मतभेद हो रहा है लोगों के बीच में पक्षपात हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इन लव बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स वी करेक्ट पीपल, लीव इट टू गॉड टू कन्विक्ट, यू कैन नॉट कन्विक्ट पीपल, ओनली गॉड कैन कन्विक्ट। तो आप प्रेम से परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको सही बात बताएं और परमेश्वर अपने आप उनको कायल करेगा, आप उनको कायल करने वाले कोई नहीं होते।
Thank you, brother. Welcome, brother. Anybody else? और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं भाई। जय मसीह की भाई, मेरा भी सवाल था। ये बात बहनों के लिए भी हो है ना, सिर्फ भाइयों के लिए है? सबके लिए है, सबके लिए है ना। चाहे बहन कोई बात ऐसे करे तो हम उनको समझा सकते हैं ना भाई? जरूर जरूर, आप भी परमेश्वर के संतान है ना, हम सब उनके संतान है। अगर वो नहीं समझे, वही गलती करे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? उनके लिए प्रार्थना करना जरूर, लगातार प्रार्थना करना उनके लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, वेलकम वेलकम। जय मसीह की भाई। जय मसीह की, जय मसीह। और किसी भाई बहन का कोई क्वेश्चन हो या कुछ उनका गवाही हो जो वो शेयर करना चाहते हैं? There is one question. Yes. It is biblical. Is it biblical to correct our pastor and elders by quoting from scriptures when they don't listen the message? The church. You can connect anybody as long as you do it out of love and with scriptures. Speak the truth, speak in love. Ephesians 4:15. क्वेश्चन ये आया कि क्या हम अगुओं को भी, उनको भी जो हमारे अगुए हैं उनको भी हम सही अपनी बात बता सकते हैं? अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको भी क्या हम बता सकते हैं? तो ये बात है कि जब तक हम वचन के साथ, प्रेम के साथ किसी को भी उसको उसकी गलती उसको बताते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो जरूर वो अच्छा है। प्लीज डू इट वन टू वन, डोंट एक्सपोज हिम टू अदर पीपल। और ये आप व्यक्तिगत तौर पे आमने सामने बात करें, सबके सामने, या उस बात को सबके सामने उसको ना फैलाएं। वन टू वन प्राइवेटली गो एंड करेक्ट द लीडर, टेल हिम यू डू वेल टू टर्न फ्रॉम दिस, यू बी बेटर इक्विप्ड टू सर्व गॉड। और व्यक्तिगत तौर पे एक सामने सामने एक दूसरे से बात करें ताकि हम जो है उसको बता सकें कि वो सबके सामने उसकी बात ना करें। I'll give some references on the Bible. Keep those references in mind when you go and correct. तो आपको कुछ भाई बता रहे हैं, कुछ आयतें बता रहे हैं, वो आप लिख लीजिए। जब आप दूसरों को, किसी को सही मार्ग बताने जा रहे हैं, कई बताने जा रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखिए। Ephesians chapter 4 verse 15. Ephesians 4th अध्याय उसकी 17वीं आयत. 4:15, 15. 4:15. 4:15. And then 2 Timothy 3rd chapter 16:17. और दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत. Where it talks about correcting to build up people. जहाँ वो कहता है कि सही लोगों को सही करो ताकि वो लोग और मजबूत बने. When you keep these two in mind, then you go and correct by all means. इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो है उनकी उनकी गलती बताने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आप जाएं। A third reference, remember, is Ephesians chapter 4, verse 29. और तीसरी आयत एक और है जिसको आप देख सकते हैं, इफिसियों 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत. Where you go and correct people to build them up. जब आप लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं ताकि वो और परमेश्वर में मजबूत बने. So, we remember these things and go and correct. Doesn't matter who the other person, maybe a very big leader. But when you do it privately between you and him, correct and leave it. And leave it to God to convict the person. तो इसमें चाहे वो अगुआ कोई भी हो, हम उसको जाएं, उसको जाके अपनी बात बताएं प्रेम के साथ, वचन के साथ, और फिर उसको छोड़ दें। If the other person is not teachable, they might shout at you, "Who are you? Correct me. I'm a big man. I'm a big pastor." They might say, "But you don't worry about that. You do your part." वो व्यक्ति अगर शिक्षा नहीं लेने वाला है, आप पे चिल्लाने लगे, तुम कौन होते हो मेरे को शिक्षा देने वाले, उसकी आप चिंता ना करें। आप अपना काम जो है, अपना काम ईमानदारी से और विश्वास से करें।
When you do that, God will convict the person at a later point of time. May not be then, later on be convicted. तो जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अभी ना हो और बाद में जरूर उसको उसमें कायल करेगा. The labor of the Lord is never in vain. परमेश्वर के लिए जो काम किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता. God's word never come back void. परमेश्वर का वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता. So go as an ambassador of Christ. तो आप परमेश्वर के राजदूत की तरह आप जाएं. All of us are ambassadors for Christ. हम सब परमेश्वर के राजदूत हैं. We have to listen to God and speak out. हमें परमेश्वर की सुननी है और उस बात को आगे बताना भी और जब तक आप प्रेम से परमेश्वर के वचन के साथ लोगों को सही मार्ग बता रहे हैं तो आप किसी को भी जाके आप ये परमेश्वर का वचन दे सकते हैं. जय मसीह की भाई. जय मसीह की भाई. अभी जैसा आपने बताया परमेश्वर के प्रेम के साथ बताना है और जैसे वचन के अनुसार बताना है. और जब ऐसे बताया जाता है और वो लोग तो मतलब बता रहे हैं, सुन रहे हैं, चुपचाप जवाब नहीं दे रहे हैं और मतलब गुस्सा भी नहीं है पर चुप हो जाते हैं. पर जो वचन के द्वारा जैसे वचन कहता है कि हमें प्रभु में बढ़ना है और संगति में बने रहना है, पर कई बार होता है कि जिन्हें हम बोल रहे हैं वो उतने बार संगति में नहीं होते हैं और बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, बताते हैं क्योंकि बाइबल पढ़ना भी जरूरी है, तो जवाब तो नहीं मिलता है और गुस्सा भी नहीं होता, बस चुपचाप सुन के चुपचाप हो जाते हैं. तो बस प्रार्थना ही कर रही हूँ मैं, मतलब हमें लगातार धीरज के साथ प्रार्थना करना है ना ऐसे भाई बहनों के लिए. ओके ब्रदर, इंटरप्रेट फॉर मी. व्हेन दे डोंट लिसन, pray that God will convict them. Conviction can only come from the Lord, not from us. तो जब वो नहीं सुनते तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु जो है वो उनको कायल करे, क्योंकि कायल करना जो काम है वो परमेश्वर की ओर से होता है. Because John chapter 16 verse 8 says, Holy Spirit convicts people with regard to sin. यूहन्ना 16:8 में लिखा है पवित्र आत्मा जी खुद जो है वो लोगों को कायल करते हैं उनके पाप के बारे में. So according to God's word, pray and say, Lord, I have spoken to this person to correct the person. He's not listening. He's keeping quiet. You convict him and change him. तो आप जब किसी व्यक्ति को बताते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैंने तो आपका वचन उनको दे दिया है, अब आप उनके जीवन में काम करें, उनको कायल करें. As we testify, even Holy Spirit testifies. और जब हम गवाही देते हैं पवित्र आत्मा जी भी हमारे साथ साथ गवाही देते हैं. So don't lose heart. You share in love and leave it to God. In His time, He will change people when their heart is open. तो आप निराश ना हो, परमेश्वर अपने समय में काम करेगा और उनके हृदय में जिस समय उसको काम करना वो पूरा जरूर काम करेगा. We must only be concerned about, are we speaking the truth? Are we speaking in love? Are we speaking to build up the person? तो हमें ये देखना, हमारा काम इतना ही है कि हम ये देखें कि क्या हम प्रेम से बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ये हमें देखना है. Also, when you correct somebody, are you speaking the truth about the person? अगर आप सच बोल रहे हैं तो चिंता मत करना. So that's what you should be concerned about. Conviction is from the Holy Spirit and leave it to God to do it. तो ये जो कायल करना है ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की आत्मा की ओर से, आप अपना काम करें और बाकी परमेश्वर के हाथ में सौंप दें. थैंक यू भाई. प्रेज द लॉर्ड भाई. वेलकम. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड भाई. प्रेज द लॉर्ड. जब हम ट्रैक बांटते हैं किसी को और वो कहते हैं तुम कौन से धर्म से आए, तो मैं बोलती हूँ हम हिंदू धर्म से हैं लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे चल रही हूँ. सीधा वो कहते हैं तो अच्छा तुमने धर्म चेंज कर लिया है, तो फिर क्या हमें अपने बारे में गवाही देनी चाहिए कि हम कैसे आए हैं प्रभु? धर्म नहीं चेंज किया, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया ना. तो न्यू लाइफ, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, टॉक अबाउट न्यू लाइफ. आप धर्म की बात ना करें उनसे, आप उनसे ये बताएं आपका नया जीवन आपको मिल गया है, वो उसकी बात करें. परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन. जीवन आपका परिवर्तन हो गया. That is brought about by the Lord Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हुआ. You can say that I'm a follower of Jesus. आप कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली हूँ. In fact, the word Hindu is not a religious term. और एक बात तो सत्य बात तो ये है कि जो हिंदू धर्म है, जो शब्द है, वो कोई धर्म नहीं है. It's a geographical term.
ये तो एक भूगोलिक शब्द है. It's a word for the river Indus, Sindhu. और ये तो सिंधु नदी जो है उससे ये शब्द बना है. All the people living east of the river Indus were called Sindhus, and the Persian says Hindu. और सिंधु नदी के पूर्व में जितने भी देश थे, जगह थी, उनको सबको सिंधु नदी के इधर रहने वालों को हिंदू बोल दिया गया. So the religion Hindus is what I call Sanatana Dharma. और जो हिंदू धर्म जो है वो जो मानते हैं इस तरफ के लोग जो मानते थे वो था सनातन धर्म. सनातन धर्म इज फॉरएवर फॉलोइंग. और सनातन मतलब अनंत काल के लिए हमेशा उसके पीछे चलते रहना. एंड धर्म इज मीनिंग फॉर कॉलिंग इन लाइफ, ड्यूटीज, वोकेशन, पर्पस इन लाइफ. और धर्म का मतलब था कि मेरा क्या फर्ज है, मेरे क्या क्या काम है, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको पीछे उसको ढूंढना और उसके पीछे चलना. That's the faith of a person living in India, a Hindu living in India. Anyone living in India is a Hindu by definition. Each one is find out his purpose in life and pursue it. और यही शब्द का मतलब था हिंदू जो सिंधु नदी के इधर रहने वाले थे. और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उसका क्या मकसद है, किस लिए वो आया है, उसको समझना था और उसको उसके पीछे चलना था. So I tell people who ask me about a change of religion, I tell them my Sanatan Dharma is to follow Jesus Christ. What is yours? तो भाई से जब आप पूछते हैं तो भाई यही बोलते हैं, मेरा सनातन धर्म ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूं. आपका सनातन धर्म क्या है, आपकी बुलाहट क्या है? They won't know what to say. फिर उनको समझ नहीं आता क्या जवाब दें. They don't know what the dharma is, what the duty is, vocation is. क्योंकि वो जानते ही नहीं कि क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके फर्ज हैं, क्या उनका काम है, क्या काम उनको क्या करना है. What is the purpose of life? They don't know. उनके जीवन में उनका क्या मकसद है उन्हें पता ही नहीं है. John 8:12 Jesus says, यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, I am the light of this world. मैं जगत की ज्योति हूं. He who follows me will not walk in darkness, will have the light, but he'll have the light of life. जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन से ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा. My Sanatan Dharma is to follow Jesus Christ, therefore I have light of life. और मेरा सनातन धर्म यह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूं, और जो जिसके पास जीवन की ज्योति है. And therefore, we can easily explain to them what we really believe. और इस तरह से आप उनको बड़े आराम से समझा सकते हैं कि आप क्या विश्वास करती हैं. Many Hindus do not know that the word Hindu is not a religious term; it's a geographical term, meaning all people living east of the river Indus are called Hindus or Sindhus. बहुत से हिंदुओं को तो यही नहीं पता कि उन्हें हिंदू मतलब क्या है. वो हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, वो एक एक भूगोलिक जगह है जो कि सिंधु नदी के पूर्व में है. उसको जगह को उस जगह के लोगों को हिंदू बोल दिया गया. Unless you live in India and you follow any faith you have, any dharm you want to follow, you can follow, but you're a Hindu because you live in India. तो आप भारत में अगर रहते हैं और आप कोई भी धर्म क्यों नहीं मानते, कोई भी धर्म मानते हैं, वो जब तक आप इस तरफ हैं तो वो हिंदू ही बोल देते हैं. So explain to them that your Sanatan Dharma is to follow Jesus Christ. That's all. तो आप उनको, हाँ भाई, उनको बता देते हैं कि आपका सनातन धर्म ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें. थैंक यू भाई. वेलकम. और कोई भाई बहन कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ब्रदर माफी चाहती हूँ, मैंने जो सवाल किया था ना पहले, वो मैंने विश्वासियों के लिए किया जिन्होंने प्रभु को अंगीकार किया, पवित्र आत्मा जी ने कायल किया, तो मैं उन्हीं के लिए बोल रही थी. जो जैसे कुछ भाई बहन होते हैं ना जो संगति में नहीं जुड़ते हैं, तो इसीलिए. ओके ब्रदर, कैन यू इंटरप्रेट फॉर मी द क्वेश्चन? शी इज सेइंग दैट शी आस्क दिस क्वेश्चन फॉर बिलीवर्स और पीपल ऑफ द चर्च who don't want to join in these meetings and all because okay. of that. Okay. Now, people joining, Christian joining meetings is expression of their love for God. अगर कोई मसीह किसी सभा में आता है, तो ये उसका परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, उसको वो दिखाता है.
You will love God, you love the fellowship of God's people. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के लोगों की संगति से भी प्रेम करेंगे. To love, love each other and not only receive from others, also give to others. और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उससे ना केवल पाते हैं, बल्कि उनको देते भी हैं. There are many reasons why we meet as a church. और ये बहुत बहुत सारे कारण हैं कि किस तरह से हम क्यों हम कलीसिया के तौर पर संगति करते हैं. The crux is out of love for God, we meet with each other and minister to each other. और उसका निष्कर्ष ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस कारण से हम एक दूसरे से मिलते हैं, संगति करते हैं. God loves everybody. परमेश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं. But everybody doesn't love God. और सब परमेश्वर से प्रेम नहीं करते. Some Christians love him more, some Christians love him less. कोई कोई मसीह तो उससे ज्यादा प्रेम करता है, कोई कम प्रेम करता है. So these people who stay away from the body of Christ are people who don't love God that much. तो जो लोग परमेश्वर की लोगों की संगति से दूर रहते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते अच्छे ज्यादा. They can't do anything about it. It's up to them to come back to God and love him. और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर ही है कि कब वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से फिर से प्रेम करने लगे. To love him is to serve him, obey him. और प्रेम करना ये है कि उसको उसके पीछे चलना, उसकी सेवा करना. And to obey him, you must know his will, you must know the teaching, so you are part of the church, you learn from him. और प्रेम का मतलब उसको जानना, मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, उसको जानना, उसके पीछे चलना. और जब ऐसा करेंगे तो हम कलीसिया में से प्रेम करेंगे, उसको आदर करेंगे. So all you can do is to share with them the benefits you receive from God through the fellowship of God's people and how it's important to meet as a fellowship. तो आप ये कर सकते हैं कि उनको आपने जो आशीषें पाई हैं परमेश्वर के लोगों की संगति से, वो उनको बताएं ताकि वो भी उनके वो भी उसमें जुड़ के वो आशीष पा सके. More than that we cannot do. उसके उससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते. Yes, brother. Thank you, brother. Jai Masih Ki. Welcome. Praise Lord, brother. Praise the Lord, brother. I'm Samson on the line. Yes, yes. Brother, actually, especially nowadays, see, if you refer the constitution preamble, actually it's written in the preamble, with the people of India having solemnly resolved this country as a secular, still, actually, we are facing a lot of problems. See, the secularity means actually anybody can accept any belief according to the his own wish and will. Yes, Article 25 of the Constitution. According to the Indian Constitution. So, still, actually, this the day to day we are facing nowadays, in our societies, especially during these days, actually. You know very well, the Christians and the Christian churches are actually attacked by the VHP and, Bajrangi Dal and other, I'm sorry, I don't want to name those organizations also online. So, but still, actually, they don't want to understand what is the provisions provided by the Constitution and the government of India. And purposefully, they want to, persecute and punish even the well-educated also. And even some of Dalit Christian, those who are actually basically this, when the Christianity came to India, they think that, this Christianity spreading in the downtrodden people only. Even though some of these higher caste people also, after knowing the Christ, they're accepting and they're following Christianity, but still, actually, the people are not able to understand what are the provisions given by the government and the Constitution. Of course,
The question is actually, even our Christian fellow, the brothers also, they used to ask, when we are discussing about the Bible and other, they ask all, meaningless questions, meaningless arguments and other. And not only that, when you told actually this, the church, when the problems, if you correct somebody in our Christian brothers, that depends on the other person's attitude. See, even our church leaders also, they don't want to accept if I correct some preacher or any elder or anybody, he doesn't want to accept. Instead of that, he came to the podium next week and he searched for all the important questions from the quotations from the Bible. And he is to justify himself instead of accepting his faults. In that case, what we have to do? That's not your problem. It's his problem. You have credited him. He doesn't listen. It's his problem. Leave it to God to deal with him. No point wearing a mind over why they're not listening. We tell them what is good for them. And the first part, what you mentioned, we must, as Christians, we must understand the law of the land. The three laws we have to understand. Article 25 of the Constitution, Allah allows us to go and share our faith and people to get converted also. Two other laws, Indian Penal Code, Section 153A and Section 295A. They both say that do not hurt the sentiments of other faiths. Exactly. So as Christians, we should not talk against any other faith. And using that one loose statement we make, they can go against us and file a case against us. As long as you don't talk against other religions, simply lift up Christ, nothing to fear in our country. So Christians should understand the law of the land and abide by the law, then there's no problem. Thank you, brother. Only thing we had to codify that, the Constitution articles. Article 25 and 26, that is the Constitution, and the Indian Penal Code, Section 153A and 295A, both say that don't hurt the sentiments of other faiths. So as long as you don't talk against other gods and goddesses, simply lift up Christ and talk about a faith, nothing to worry in our country. It's a free country. Our country is a free country. Yeah, yeah. It's a secular state. Yeah. Thank you, brother. Welcome. Praise Lord. Yeah. Yes, Lord. Praise Lord. Bhai, Hindi mein... भाई ने प्रश्न पूछा था कि भारतवर्ष में जो संविधान में धर्म का प्रचार करना, किसी भी धर्म को स्वीकार करना सबका मौलिक अधिकार है, पर भारत में ये चीजों की मुश्किल आ रही है, तो उसके लिए हमें हर एक को ये तीन कानून हम सबको मालूम होने चाहिए। एक तो आर्टिकल 25 और 26 है, और दूसरा है आईपीसी की धारा है 153A और एक है 125A। ये अगर ये धाराएं हमें मालूम होगी, जिसमें कि हमें ये है कि हम किसी धर्म के बारे में किसी को नीचा ना दिखाएं, और सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और किसी के धर्म की बात नहीं करनी। अगर जब तक हम ऐसा करेंगे, हमारे को इस देश में डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसी कोई हमारे को विरोध में कोई हमारे लिए हमारे को कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी धर्म को हम नुकसान पहुंचाने की बात या उसको नीचा करने की बात ऐसी बात ना करें। And Christian must understand the law of the land. और मसीहों को बहुत जरूरी है कि देश के जो कानून है उसको वो जाने। And let me also explain to you, when the Constituent Assembly was formed, they discussed on Article 25 for half a day. और जब संविधान बन रहा था, तो जो आर्टिकल 25 है उसके लिए जो डिस्कशन हो रहा था वो आधा दिन इसी बात पे बहस होती रही। Whether you should allow a conversion and apostolate. Apostolate means talking about your own faith. तो कि क्या हम जो है धर्म परिवर्तन को इजाजत दें, और क्या लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकें, क्या इसकी इजाजत दें या ना दें? Actually, they decided to have this law or constitution, the about the conversion and choice of religion only to facilitate the Christian faith. और ये जो हुआ, इसकी जो इजाजत दी गई है जो इस आर्टिकल के द्वारा, ये इसीलिए हुआ मुख्यतः कि किस तरह से मसीह जो धर्म है, मसीह जो विचारधारा है, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए।
for them to talk about their faith. और वो उनको अपने धर्म के बारे में बताने की बात कही जाए. You get proselyte, then get converted. It's up to you. वो प्रचार आपका होगा, आप आपके ऊपर है, आप उसको स्वीकार करें, माने या ना माने. While proclaiming your faith, don't attack other faiths. That is the only caution for us. हमारे लिए एक ही चेतावनी है इसमें, जब हम प्रचार करते हैं अपने धर्म के बारे में, लोगों को बताते हैं विश्वास के बारे में, दूसरों को बताते हैं, तो हमें दूसरों के विश्वास को हमें ठोकर नहीं पहुंचानी, उसको नीचा नहीं दिखाना. या थैंक यू भाई. वेलकम वेलकम. Praise the Lord, sir. Brother, praise the Lord. परिवर्तन आपने कहा जीवन बदलना, परमेश्वर धर्म नहीं जीवन बदलने आए. समवन इज आस्किंग मी कि मतलब पहले मुझे बुरा भी लगा और मुझे बाद में हंसी भी आई. उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे चर्च में क्या यही शिक्षा दी जाती है कि कैसे धर्म परिवर्तन करना है और कैसे क्या करना है. तो मेरे को तब उस वक्त गुस्सा आया कि मतलब ऐसे क्यों कर रहा है. मैंने बोला कि चलो मेरे तो दादाजी और ये सब उन्होंने बिलीव किया था, मेरे फादर बिलीव करते हैं. तो मैंने कहा जो हमारे चर्च में बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, नॉट अदर कि दूसरे कास्ट के हैं या ब्राह्मण भी हैं, तो उनसे पूछो उन्होंने क्यों अपना धर्म. मैंने कहा परमेश्वर धर्म नहीं पर यीशु मसीह तो जीवन बदलने आए. yes, yes, yes. मतलब मेरे को गुस्सा आया पर मैंने कंट्रोल किया अपने गुस्से को. हाँ, मैंने कहा यीशु मसीह जीवन बदलने आए हैं और मैंने कहा एक दिन आप ही प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि बाइबल का हर एक वचन लिखा है कि प्रत्येक जीव अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना उसके आगे नाम के आगे झुकेगा. तो मेरे को थोड़ा सा और गाइड करो सर कि मैं ऐसे जो सवाल मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर तुम धर्म तुम्हारे ऐसे बोल रहे हैं मेरे को कि तुम्हारे चर्च में यही शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारे धर्म परिवर्तन की शिक्षा दी जाती है, तुम लोगों को बुला के उनके धर्म को बदलवाते हो. दैट गाय टोल्ड टू मी. ओके, तो आप मुझे बताओ मैं उसको क्या जवाब. आई विल एक्सप्लेन. इट्स अबाउट उद्धार पाने के बारे में, हाउ टू रिसीव सल्वेशन, दैट इज व्हाट वी टॉक. I'll give you a small testimony. Brother, can you interpret for me? एक छोटी सी गवाही देंगे भाई आपको. I was in a place called Orai. भाई Orai नाम की एक जगह पे थे. I was speaking to people of other faiths on the gospel. और दूसरे विश्वास के लोगों के से बात कर रहे थे, सुसमाचार दे रहे थे. And some people came to oppose me after the meeting finished. A lot of Hindus gave their lives to Christ. और कुछ लोग जो है विरोध करने के लिए बाद में आ गए क्योंकि बहुत से हिंदू लोगों ने विश्वास किया था. And then after that, one gang of about 40 people came to attack me. और उसके बाद 40 लोग जो थे, वो पूरा एकजुट होके आगे भाई के ऊपर हमला करने के लिए. हमला means just by words. They came with sticks, but they didn't do anything. The leader asked me a question. और वो डंडे लेके आए थे उन्होंने, पर उन्होंने सिर्फ बातें ही करी और उनका जो अगवा था उसने भाई से एक प्रश्न पूछा. The main leader said, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ? अब यीशु मसीह के बारे में क्यों बता रहे हैं? Why are you telling about Jesus Christ here? And then he said, मैं दारा सिंह का आदमी हूँ. और बोलने लगा मैं दारा सिंह का आदमी हूँ. He got like a scared. और सोचा कि इससे भाई डर जाएंगे. So I told him. भाई ने उसको बताया. 25 years back, I received the gift of salvation. कि 25 साल पहले मुझे उद्धार का ये दान जो है मुझे मिला था. And this salvation, I understand, is for everybody. और मैं विश्वास करता हूं ये उद्धार जो है सबके लिए. I've got this gift. मुझे ये दान मिला. Others don't know. दूसरों को इसके बारे में पता नहीं है. Come here to tell them that they've got this gift. मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि उनके लिए भी ये दान उपलब्ध है. If I don't tell them that, am I not selfish? अगर मैं उनको ये दान के बारे में ना बताऊं तो क्या मैं अपने अपने बारे में सोचने वाला नहीं बन जाऊंगा? This gift is for everybody. ये दान तो सबके लिए है. I got this gift. मुझे ये दान मिला है. They need to know they have this gift. और उनको भी ये जानना जरूरी है कि उनके लिए भी ये दान उपलब्ध है. So I have come here to tell people they can receive the gift of salvation.
और मैं तो उनको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि वो भी इस दान को, जो उधार का दान है, इसको वो भी प्राप्त कर सकते हैं। And then this man told me, मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। फिर वो व्यक्ति बोलने लगा, ये दान के इसके बारे में मुझे भी बताओ। So 20 minutes I shared the gospel with them। और फिर भाई ने उनको भी सुसमाचार सुनाया। आपसे मिलने के बाद मेरे हृदय में बहुत खुशी है, आनंद है। And then he said, after meeting you, my heart is very happy। And quietly went away। और वो चुपचाप चला गया। So please tell people who question you, I am only talking about the salvation gift God has given to mankind in Jesus। आप सिर्फ ये बताएं कि मैं तो वो जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह में जो संसार के लिए उपलब्ध है, वो ही बताने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। Actually, change of life takes place afterwards। जो जीवन बदलना है, वो तो बाद में होता है। First, receiving salvation। पहले है उद्धार को पाना। 2 Timothy 1:9 says, He saved us and called us to a holy life। दूसरा तिमोथी 1:9 लिखा है, उसने हमें बचाया और हमारे को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। So really, transformation is after we receive salvation। So we talk about the fact that Christ is a gift to the whole world। When you believe and we go to heaven, that's what we talk about। तो हमारा जीवन के अंदर जो बदलाव है, वो तो बाद में होता है, पहले हमारा उद्धार होता है और हम जाके सब संसार में लोगों को यही बताते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो में उद्धार का जो दान है, वो सब विश्व के लिए है, वो वही हम बताने के लिए आए हैं। Sharing about Jesus salvation is selflessness। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो उद्धार है, उसके द्वारा से उसको बताना, ये निस्वार्थ काम है। Not sharing is selfishness। अगर हम नहीं बांटते तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। And therefore we should know why we are doing this and tell them also, it's a gift, it's for you also. I have to tell them, I can't make them accept the gift, but I must tell them they have this gift. तो हमें उनको सिर्फ बताना है कि ये दान उनके लिए उपलब्ध है। हम उनको जबरदस्ती दान दे नहीं सकते, पर हम उनको बता सकते हैं कि उनके पास उनके लिए भी उपलब्ध है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। I hope I answered your question, Nirja. Yes, sir. Thank you so much. Brother, actually, see, even my father and forefathers, they're also from a Hindu background. But I think you know better than me. Brother, since you are from the Brahmins background, even the you know Rigveda also, it was clearly mentioned. You know this, I heard and in somewhere I read also that it was mentioned, you know, even... In order to save the sinners, Lord Jesus Christ came to this world. Actually, we will tell. And there actually, everybody did actually this sin. And from that, actually, to get the salvation from the sin, in order to save ourselves from the sin. And, you know, this sinless, you know, this Prajapati ka jo rakta prakshana jo hai, that is, essential to save the entire world or to their sinners. It was mentioned in the Rigveda also. Am I correct, brother? Yeah, Rigveda, Itara Brahman, Samaveda, Bhagavad Gita, yeah. Some mentioned, yes. Yeah, in the Upanishads, actually, there's no the name of the God mentioned. It was the name of Jesus. It talks about the Purusha Prajapati. Yeah. So even in the, you know, this world, when Lord Jesus... said, you know, this, I am the truth, I am the way, I am the, you know, this, the three things he told, actually. The same thing it was mentioned in the Rigveda also. No, that doesn't talk about Jesus being the way to the light. It doesn't talk about Jesus, but the Lord said, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Yeah, that is asato, even that asatomaya, sadgamaya. That's a prayer. That prayer is answered only in Christ. The same thing, is it same thing that the Rigveda, you can, you know, the Asatomaya, Sadgamaya, Samatom. Yeah, that's a cry to God. Bring me from unreal to the truth. Jesus, I am the truth. Bring me from darkness to light. Jesus, yeah. John, I am the light. So this is the answer to all the questions they've got in Vedas. The same thing mentioned in the Vedas also. But not about Jesus. It's a cry. It's a prayer. It's a search for God. Answer is in Jesus. The answer is not in the Vedas. When the question is put in the Vedas, the answer is in Christ. Yeah, same thing. That's the same thing Christ also mentioned. No, I don't understand what I'm saying. That is a prayer to God for coming out of darkness to light, from unreal to the truth, mortality to immortality. That prayer is answered in Jesus Christ. Yeah.
is the fulfillment of that prayer, the answer. Yeah, in Christ. Yeah. But people actually, they don't want to understand their own slokas also, and they don't want to understand that Christianity. Not everybody is like that, brother. It's a question of how you communicate with them. How you communicate, speak the truth, speak in love. Don't have to go to Vedas. I don't use Vedas to talk to Hindus. I share from the Bible. Bible is enough for us. Okay. See, suppose just like, the Nirja, when she is when she is actually giving the word to the others, she might have faced actually a lot of Hindus also. But thing is, actually, the people that doesn't want to understand. Not everybody. There are sincere people, there are insincere people. You can't generalize. Yeah. So ask God to take you to people who are sincere. Yeah. Then you will have that be the right place at the right time, saying the right things. Yeah. Thank you, brother. Thank you.